जब कोई देश संकट में हो, अर्थव्यवस्था तबाह हो रही हो, जनता बर्बाद हो रही हो, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर युद्ध छेड़ दो। फिर जो भावनाओं का ज्वार बहेगा तो जनता अपनी मुश्किलें भूल जाएगी। ये कार्यशैली दुनिया के ज्यादातर तानाशाहों की रही है, जो अपनी असफलताओं का समाधान युद्ध में तलाश करते हैं। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज मैं एक बेहद गंभीर खतरे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन समेत कई भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है। यही नहीं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के उस पार भारी सैन्य तैनाती के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मैक्सा टेक्नोलॉजीज के मिले डेटा से साफ होता है कि चीनी सेना अक्साई चीन के 15 वर्ग किलोमीटर इलाके की 6 जगहों पर सैन्य निर्माण कर रहा है। चीन यहां पर सैन्य बंकर और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रहा है। ये इलाका वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगस्त 2023 की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब इस इलाके में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जोरों पर है। यहाँ पर अर्थ मूविंग मशीनरी के अलावा नई सड़कें, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के लिए कई एंट्रेंस भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज संवेदनशील साजो सामान, हथियारों और कमांड पोस्ट को हवाई या मिसाइल स्ट्राइक से बचाने के लिए हो सकती है। इससे पहले चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में 11 जगहों के नए नाम भी रख दिए थे, जिससे पता चलता है कि चीन की मंशा भारतीय इलाकों पर कब्जा जमाने की है। मैप के साथ छेड़खानी करने के अलावा चीन ने सीमा पर कई ऐसे गांव बसा दिए हैं जिनके बारे में इंडियन आर्मी को अंदेशा है कि चीन की सेना इन गांवों का दोहरा इस्तेमाल यानी सिविल के साथ मिलिट्री यूज भी कर सकती है। चीन ने पिछले 2 सालों में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीनी सैनिकों की गश्ती और तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि चीन इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? आखिर उसकी मंशा क्या है? भारत के साथ उसका सीमा विवाद बेहद पुराना है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसकी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। कारण क्या है इसका? इस गंभीर प्रश्न का जवाब है चीन के आंतरिक हालातों में। वहीं पर इसका जवाब छिपा हुआ है। दरअसल चीन बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अर्थशास्त्रियों ने संकेत दिया है कि चीन मंदी के एक लंबे चरण में प्रवेश कर रहा है। आशंका है कि चीन की इस बार की मंदी सिर्फ आर्थिक कमजोरी का दौर नहीं है और ये सचमुच चीनी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तोड़ कर रख देगा। इस मंदी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था कम से कम 25% तक सिकुड़ सकती है। ये बेहद गंभीर बात है और ये चीन के लिए बहुत बड़ी त्रासदी भी साबित होने वाला है। इस मंदी के कारण चीन के तमाम विकास कार्य संकट में हैं, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी शामिल है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में चीन का कुल कर्ज GDP के अनुपात में 279% था। इसके अलावा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के विभिन्न स्तरों पर चीन का कुल कर्ज 2022 तक देश की GDP का लगभग 300% तक पहुंच गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चीन का 4 दशक का वर्चस्व अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक विफलता ने चीन के 40 साल के लंबे सफल विकास के मॉडल को बुरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया है। कई वैश्विक कंपनियां जो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन पर निर्भर थीं, वो तेजी से भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में निवेश कर रही हैं। जुलाई के अंत में हुई चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक में चीन के नेतृत्व ने अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों का मानना है कि चीन का डबल डिजिट का विकास का युग अब लगभग निश्चित रूप से खत्म हो चुका है, जो कि चीन के लिए बहुत गंभीर चिंता का कारण है। चीन की विकास दर 2022 में केवल 3% की रही थी। चीन की उत्पादकता की वृद्धि दर 2008 से पहले औसतन 2.8% थी, लेकिन अब ये घटकर 0.7% प्रतिवर्ष रह गई है, जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनियां टूटने की कगार पर पहुंच गई हैं। और ये कारण है कि चीन में बेरोजगारी की दर 21% से भी ज़्यादा के घातक स्तर पर पहुंच गई है। कई लाख कंपनियां बंद हो चुकी हैं। चीन की जनता में बेहद निराशा और नाराजगी भरती जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ऐतिहासिक रूप से बेहद गंभीर संकट में घिरता जा रहा है, जिसका समाधान शी जिनपिंग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सूझ नहीं रहा है। उधर चीन की ये नाकामयाबी भारत के लिए वरदान साबित हो रही है।
दुनिया भर की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत की तरफ रुख कर रही हैं, जो कि चीन के लिए ईर्ष्या का कारण बनता जा रहा है और ये एक विस्फोटक स्थिति भी पैदा कर रही है। चीन की गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से जनता की नाराजगी को समेटना है और ऐसे हालातों में चीन कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता है। भारतीय सीमा पर चीन की ताजा हरकतें कुछ ऐसे ही संकेत दे रही हैं, क्योंकि जनता की नाराजगी का सामना उग्र राष्ट्रवाद से ही किया जा सकता है और उसके लिए चीन को एक युद्ध की जरूरत है जो कि उसकी जनता को एकजुट कर सके और उसके बदहाल उद्योगों को नया जीवन दे सके। ये स्थिति चीन के साथ साथ ताइवान के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि डूबता हुआ चीन अपने साथ साथ पड़ोसियों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। चीन में तानाशाही शासन है जो कि मानवीय संवेदनाओं से रहित होता है, वो अपनी मुश्किलों में घिरकर चटपटा रहा है। इसीलिए भारतीय सीमा पर चीन की कारगुजारियों पर बेहद बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो कभी भी गंभीर रुख ले सकता है। जय हिंद, जय भारत।